लूका 13, इंग्लिश में ल्यूक 13, उसकी एक आयत से लेके 9 आयत तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलात उसने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा और वो दब के मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से क्या अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया, और तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख मैं 3 साल से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दे, तब मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, यदि आगे को फला तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अपने पड़ोसी को बोलो, पश्चाताप कर या नाश हो, क्योंकि ये वचन जो आपको पढ़ के सुनाया गया इसकी हेडिंग ये है कि पश्चाताप करो या नाश हो। और आप जानते हो परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं बुलाया। इब्रानियों 6 उसकी 4 आयत में पढ़ूंगा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाएं, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अन होना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योति और बोई जाती है, उसके काम का साग पात उपजाती, वह परमेश्वर से आशीष पाती। यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पे है और उसका अंत जलाया जाना है। हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं कि तो भी तुम्हारे विश्वास में हम इससे अच्छी और उधार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। सब बोलो आमीन। लूका 13 का मैं एक लाइन फिर से पढ़ूंगा, क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा और वो मर गए, यरूशलेम और उसके सब रहने वालों से क्या अधिक पापी थे? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, वो उनसे अधिक पापी नहीं थे, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। हर साल अपना बर्थडे क्यों आता है मालूम? ये 10 साल में एक बार ये परमेश्वर ने बनाया इस तरह से कि एवरी ईयर आप इसे कंसीडर करें कि आप पैदा क्यों हुए दुनिया में। लोग इसे पार्टीज में सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सेलिब्रेशन तब काम की है अगर आपने उस चीज को हासिल कर लिया हो जिसके लिए आप पैदा हुए। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, क्या 18 जन जिन पर गुम्मट गिरा और वो मर गए, परमेश्वर ने कहा, क्या वो ज्यादा पापी थे जो लोग यरूशलेम में थे? तभी तो मुसीबत आई ना उनपे, यरूशलेम वाले बच गए लेकिन वो 18 जन मर गए। परमेश्वर ने कहा नहीं, वो यरूशलेम के रहने वालों से अधिक अपराधी नहीं थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। हालेलुया। आपने ध्यान से समझना आज का वचन। परमेश्वर ने कहा इसलिए नहीं कि उनके पाप ज्यादा थे तो वो मर गए और गुम्मट के नीचे आ गए, या उन लोगों के पाप ज्यादा थे जिनका लहू जिनको पिला तो उसने मार दिया और उनके बलिदानों के साथ ही उनका लहू मिला दिया। ऐसा नहीं था कि वो बाकी यहूदियों से ज्यादा पापी थे। परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मेरी स्वाद चख के भी अपना मन नहीं फिराया था। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में आपने पढ़ा, जिन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान जो चख चुके हैं,
पवित्र आत्मा के भागी हो गए। अगर वो फिर से पाप में चले जाएं, उनका नया बनाना अनहोन है, क्योंकि वो परमेश्वर के क्रूस पर प्रकट रूप में फिर से कलंक लगाते हैं। अपने पड़ोसी बोलो, रिपेंट कर, पश्चाताप कर। परमेश्वर ने सीधी बात बोली, परमेश्वर ने कहा वो 18 जन जो एक एक्सीडेंट में मर गए, क्या वो ज्यादा पापी थे तब मर गए? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, बस प्रॉब्लम इतनी थी कि अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा पापी जो यीशु मसीह को ना जानता हो वो तुम्हारे जितनी मुसीबतें ना झेले। लाइफ एक चॉइस है। एक वीडियो में देख रहा था, एक बंदा बैठा हुआ है दिल्ली के पार्क में और इंग्लिश का एक अखबार पढ़ रहा है, और एक लड़का एक एनजीओ में कोई है, मैं जानता नहीं उसको, वो उसको देख रहा है और देख रहा है कि ये भिखारी की तरह लग रहा है, उसके बाल बड़े हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, स्मेल आ रही, लेकिन इंग्लिश का अखबार क्यों पढ़ रहा है? उसके पास गया, उसने कहा अंकल आप इंग्लिश का अखबार कैसे पढ़ रहे हो? कहता मैं ग्रेजुएट हूं, 5 साल मैं कनाडा में रहा हूं, वहां पढ़ा हूं, यहां पढ़ा हूं, मेरी फैमिली कनाडा में है, और जब मैं कनाडा में पढ़ने के लिए गया तो वहां मुझे गंदी आदत लग गई, एक ग्रुप में वहां पे एक गैंगस्टर में वहां पड़ गया, नशों में चला गया, सब तरफ गड़बड़ कर दी, और उसके बाद मेरे भाई ने मेरा वीजा कैंसिल करा के मुझे वापस भेजा, तब से मेरी जिंदगी कभी भी सेम नहीं रही, मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, आज एक टूटे हुए कमरे में मैं रहता हूं, चौकीदारी करता हूं, और चौकीदारी जिस घर में करता हूं वो उसी कमरे में मुझे रहने के लिए देते हैं, मेरे पास कोई खाना नहीं, सामने मंदिर है वहां पे जाके मैं भीख मांगता हूं और लंगर खाता हूं और इसी तरह अपना जीवन मैं व्यतीत करता हूं। लाइफ को हल्के में मत लो, क्योंकि ये आपको वो नहीं देगी जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, ये आपको वो देगी जिसके लिए आप फाइट करते हो। आज फेलियर लोग जो फेल हो चुके अपनी लाइफ में, ये नहीं है कि वो फेल हो गए, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उनको मौके नहीं मिले, ऐसा नहीं है। उनको मौके मिले अपनी लाइफ में, पर उन मौकों का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं कि दूसरे लोग जो नहीं मरे एक्सीडेंट में वो कम अपराधी थे, परमेश्वर ने कहा हो सकता है कि वो उनसे ज्यादा अपराधी हो, पर जिन 18 लोग जो एक्सीडेंट के गुम्मट में मर गए वो उन्होंने मन नहीं फिराया था, वो यहोवा के वचन को जानते थे और जानबूझ के भी अपना मन नहीं फिराया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के भवन में वचन को जानते हैं, पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके, हीलिंग्स देख चुके, सब कुछ कर चुके, बपतिस्मा ले चुके, अगर हम भी वही काम करेंगे जो अन्य जातियां करती तो हमारी सजा ज्यादा होगी, क्योंकि शैतान आपको भरमाएगा, देख तेरी सहेली भी तो वैसी है, देख तेरा दोस्त भी तो वैसा ही है, उसको क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। पर परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो उन्हीं लोगों की तरह नाश होगे। वो आपसे 10 गुना बुरे काम करके बच सकते हैं, अभी वचन को नहीं जानते, पर लिखा जो वचन को जानता है, लिखा उसने मन नहीं फिराया। मन फिराने का मतलब रिपेंट, यूनानी में इसका मतलब है किसी गलत चीज को करके पछताना और उसके लिए पश्चाताप करके उसको छोड़ देना। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है एक पाप के लिए पछताना, एक पाप करके उसके लिए गिल्टी फील करना और उसके बाद रिपेंट करना, तौबा करनी और उसको सदा के लिए छोड़ देना, क्योंकि बाइबल कहती पाप शर्मिंदगी और मौत लेके आता है। जब पाप आएगा शर्मिंदगी पीछे आएगी और मौत पीछे आएगी, वो बिजनेस की मौत हो, कैरियर की मौत हो, रिलेशनशिप की मौत हो, स्पिरिचुअल मौत हो, गाइडेंस की मौत हो, डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है उसे पूरा करने के लिए ईश्वरीय गाइडेंस चाहिए, वो उस गाइडेंस की चाहे मौत हो, आप अलग तरह से बुलाए गए हो, अलग किए गए हो दुनिया से, राजपदधारी हो, याचकों का समाज हो, हमारी और दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है, हम अलग तरह से बुलाए गए चलने के लिए यीशु मसीह के साथ। तो क्या अपनी जिम्मेवारी मालूम है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा दाऊद मैंने तुम्हें भेड़ों के पीछे चलने से इस मनसा से बुला लिया कि तू इज़राइल का राजा बने। ये परमेश्वर का प्लान था, दाऊद के लिए नहीं, दाऊद के भाई के लिए,
पर बाइबल कहती है वो पाप में गए, सिन में गए, खुदा के वचनों पे नहीं खड़े रहे। परमेश्वर अपनी योजना बदलता गया और वो योजना उसके बाद दाऊद पे ठहर गई और वो पाप में नहीं था, परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहा और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको उस राजा होने का मौका दिया। आमीन। क्या हमें यह लगता है कि एक चीज को हम वचन को परे करके हासिल कर लेंगे और वो चीज हमारे लिए बरकत का कारण ठहरेगी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी मैरी जो वचन तोड़ के हुई हो, क्या वो बरकत का कारण ठहरेगी? क्या उसमें शांति होगी? पर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं सिर्फ मैरिज के लिए वो सेवा छोड़ सकते हैं कि यहां हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं चलने देंगे, चलो चर्च के बाहर। आप सोचो मैरिज के बाद क्या होगा? भले परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हर एक जो चीज हम बोएंगे खुदा के घर में हमें काटने को मिलेगी अपने फ्यूचर में, और तब हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चॉइस करने की ताकत अब दी। आज आप यहां बैठे हो, ये चर्च लाखों लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण है। ये चॉइस थी, ये परमेश्वर की, ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर की मर्जी थी, ये चॉइस थी कि क्या हम अपनी लाइफ प्रभु को डार्क मोमेंट्स में भी, अंधेरे में भी, गरीबी में, प्रॉब्लम में, हर तरह की दिक्कत में भी आप खुदा के साथ चलने के लिए तैयार हो। मैं अपनी बीमारी में चलने के लिए तैयार हूं, इस बात पर डिपेंड करती थी खुदा की योजना पूरी होगी या नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा 18 जन मर गए। परमेश्वर ने कहा तुम क्या समझते हो ये 18 जन यरूशलेम में रहने वालों से क्या ज्यादा पापी थे? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे। अगर तुम भी मन ना फिराओगे इसी रीति से नष्ट होंगे। आपको मालूम है शैतान झूठ है, आपको मालूम है वो कपटी है, वो दिखाने आता है, कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बात है, तुम कर सकते हो। याद रखना एक बात को, शैतान जब अपने लेफ्ट हैंड से आपको कुछ मीठा खाने के लिए देगा, अपने राइट हैंड से आपकी लाइफ से वो चीज ले लेगा जिस पे आपकी पूरी जिंदगी निर्भर करती। आपको खब्बे हाथ से वो देगा, ऐसे मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, आपको लेफ्ट हैंड से वो देगा और राइट हैंड से वो चीज लेगा जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती, जिसके लिए आप बुलाए गए हो, जो आपकी डिवाइन कॉलिंग है। आप वो मिस कर दोगे और आप खब्बे हाथ में लड्डू खा के बोलोगे मैं ब्लेस हूं। हमें वो पहला दिन नहीं भूलना चाहिए जब हम मसीह में आए, क्या हालत थी, कितने डिप्रेस थे, दुखी थे, बीमार थे, और जब परमेश्वर ऊंचा करे वो हालत याद करो कहां से हम उठाए गए। हाँ या ना? ऐसे लोगों को हम जानते हैं, पोचा मारने वाले, चर्च में पोचा मारते थे, खुदा ने पुलपट पे चढ़ा दिया, अब गर्लफ्रेंड रख के बैठे, खुदा ने फिर नीचे उतार दी। हमें शर्म आनी चाहिए, और जब परमेश्वर हमें ऊंचा करे तो परमेश्वर कहता वो 18 जन जो मरे याद रखो वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मन नहीं फिराया। 2020 की शुरुआत में 2020 के लिए खुदा के लिए जोर से तारीफ करो एक बार, इतना बेस्ट ईयर ये मेरा चढ़ा है ना अभी, शानदार, और जो रिजल्ट मिलने वाले इस साल आपको मजा आने वाला है। चर्च 2020 में रुकने वाले नहीं हम, और सेम मजा आपकी लाइफ पे होगा। तो आप जानते हैं आमीन कब असर करेगा? जब आप ये वर्ड मानेंगे जो मैं बोल रहा हूं। ये प्रोफेसी उसके लिए जो इन वचनों पे चल रहा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा पापी थे क्या? और चेले देख रहे, कहते प्रभु हमें तो मालूम नहीं। प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो शायद ज्यादा पापी थे इसलिए मर गए? परमेश्वर का नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मन नहीं फिराया था। मन फिराने का मतलब है रिपेंट, ग्रीक भाषा में इसका मतलब है किसी चीज के लिए पछताना और उसको फिर गिल्टी फील करके छोड़ देना, अपना माइंड, अपना ध्यान उस चीज की तरफ से हटा लेना और परमेश्वर के साथ फिर से खड़े हो जाना।
लाइफ सबको मौका देती है, उस मौके का फायदा नहीं उठाओगे। एक एक यंग लड़का एक हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ, बाथरूम की स्मेल आ रही है उससे, उसकी बाजुएं ऐसी हैं जैसे 3 साल का बच्चा होता है, इतनी पतली। वो लड़का क्या पूछा, क्या हुआ तुझे? वो इंग्लिश में बात करने लगा, आई वॉज हेयर। क्या हुआ, तुम इंग्लिश बोलते हो? तुम कहता पोस्ट ग्रेजुएट, शायद वो ग्रेजुएट से भी ऊपर पढ़ा हुआ। क्या हुआ, यहां कैसे आया? मैं पढ़ाई करने मुझे घर वालों ने भेजा, मैं नशों में चला गया, नशे करने शुरू कर दिए, उसके बाद मेरे मम्मी मर गई, पापा मर गए, एक भाई था वो मर गया, मेरा कोई नहीं है। उसके बाद मैं दारू पीने लगा, दारू इतनी बढ़ गई, लीवर की इंफेक्शन हो गई, अब मैं मरने वाला हूं। हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने इलाज करके छोड़ दिया, पैसा नहीं है खाने का पहनने का, एक फटा हुआ लिफाफा अपने नीचे बिछा के उसके ऊपर लेटा हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि लाइफ आपको मौका देती है, जिसने उस मौके को पकड़ लिया वो कामयाब है। हाँ, उसकी स्टोरी लोग सुनते, अच्छा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया, आज खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया। और जो नहीं पकड़ पाते वो नेगेटिव एग्जांपल बन जाते। अपनी लाइफ के साथ खेलो मत। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से अलग अलग एक्सीडेंट्स का शिकार होंगे, अलग अलग घटनाओं के शिकार होंगे, अलग अलग ट्रेजेडी से तुम शिकार होगे अगर तुम भी इस रीति से मन नहीं फिराओगे। परमेश्वर ने कहा, जब एक भूमि पर वर्षा का पानी पड़ता है और वो साग और पात उपजाती है तो वो आशीषित होने पे, पर अगर वर्षा का पानी पड़ने पर भी वो ऊंट कटारी और कांटे उगाती तो निकम्मी और श्रापित होने पे। अब आप पे पानी आ रहा है, वचन का पानी आप पे पड़ रहा है, अगर साग पात उपजाओगे, जिंदगी बदलोगे तो लिखा तुम आशीषित होगे, अगर वही कांटे उगाओगे तो लिखा तुम श्रापित होगे। परमेश्वर ने कहा, मालिक आ रहा है और 3 साल से फल ढूंढने के लिए और पेड़ पे कोई फल नहीं, और उसने कहा इसको काट दो और इसकी जगह दूसरा लगाओ। माली ने बोला, 1 साल और दे दे मुझे, मैं फिर गोटी करूंगा, खाद डालूंगा, पानी दूंगा, दवाई दूंगा, कुछ करूंगा, फला तो फला, नहीं तो तू काट डाल। जो पहले साल आपने गलतियां की वो दूसरे साल नहीं चल सकती, अब चौथे साल नहीं चल सकती। परमेश्वर ने कहा वचन में, अब उम्र के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम दूध पीते बालक हो जिसको सब चीजें वही चाहिए। परमेश्वर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी उम्र तुम्हारी आत्मा में हो गई, अब तुम्हें बुरे और भले की पहचान हो जानी चाहिए, क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्रियां, लिखा बाइबल कहती है कि भूले बुरे और भले का पहचान करने में उनको समझ आ गई। इसके साथ क्या हुआ था जब इसने पाप किया, फलाने के साथ क्या हुआ था जब मैंने गलती की थी, मेरे साथ क्या बीता था। अब लिखा तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां पक्की हो गई और वो जानती है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। और परमेश्वर ने कहा, ऐसी भूमि बनो, अगर वचन का पानी तुम पे आए तो वो फल लेके आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा, फिर तुम आशीषित होने पे होंगे, तुम आशीषित ठहरोगे। और सोचो, अगर परमेश्वर बोल रहे अपने मुंह से तुम आशीषित होंगे तो वो आशीष कहां कहां जाएगी, याद रखो, नहीं किधर किधर जाएगी, कौन कौन से एरिया में आपकी लाइफ पे जाएगी, याद रखो, हर एरिया को वो छुएगी कि नहीं छुएगी। हां, कहता अगर तुम साग और पात उपजाओगे, जो वचन तुमको मिल रहा है, अगर तुम उसका रिजल्ट दोगे, उसका फल दोगे। परमेश्वर ने कहा, जिनको पिला तो उसने मार दिया, क्या वो अधिक पापी थे? परमेश्वर ने कहा, नहीं, वो सब गलीलियों से अधिक पापी नहीं थे, पर अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। यीशु मसीह का पहला प्रचार था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अपने पड़ोसी को बोलो, मन फिरा, रिपेंट, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, मन फिरा, फिर से बोलो जोर से। आपको जब परमेश्वर आशीषित कर रहा है, उसका उसकी कदर करो, अब्यूज कभी मत करो, कभी गाली मत दो।
तुम नीची जगहों पे थे, अच्छे थे, ऊपर ऊपर आए तुमने पाप शुरू कर दिया, तुमने आशीष को गाली दी। जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तब सारा दिन यीशु यीशु करते थे, बाइबल पढ़ते थे, रोजा रखते थे, किसी की तरफ, किसी लड़के की तरफ, लड़की की तरफ देखते तक नहीं थे। अब डिलीवर हो गए, अब ध्यान इधर उधर जा रहे। सोचो अपनी डिलीवरेंस को हम गाली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। गरीब थे तो टाइम पे चल जाते थे, कोई काम करने के लिए नहीं था, चर्च आके ब्लेस हुए। अब संडे 11-11, 12-12 बजे तक बिजनेस मीटिंग चलती और मालूम है वो कोई नहीं, 1:30 बजे तक तो गवाहियां चल रही हैं, और आज मालूम नहीं कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा 1 घंटा। हालेलुया। हम अपनी आशीष को गाली ना दे। कोई पूछता नहीं था, कहीं बैठे थे ऐसे ही तो सही थे, कहीं ऊंची पोजीशन में आ गए सेवा में तो पाप कर रहे, हमने गाली दी। और जब जब आप यीशु मसीह की आशीष को, अपनी पोजीशन को आप गाली दोगे, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी डिमोशन करूंगा, और जब जब मैं तुम्हें बढ़ाऊं, आशीषित करूं, तो मेरा थैंक्स करके अपने आप को और सही करोगे, मैं तुम्हें और बढ़ाऊं। अब हमने ये देखना है कि वो साइलेंट टाइम में जब शैतान भरमाने की कोशिश कर रहा है, उसमें हम क्या अपना कैरेक्टर शो करते हैं खुदावन को, क्या चरित्र हम दिखाते हैं परमेश्वर को, जब शैतान उस अंधेरे टाइम में हमें भरमाने की कोशिश कर रहा है। फिर से बोलो पड़ोसी को, बोलो रिपेंट कर। कहता वो सब अधिक पापी नहीं थे जो मरे, कहता अगर तुम भी इस रीति से मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नाश हो जाओ। आज खुदा ने अगर आपको स्वतंत्र किया तो बाइबल कहती है अपनी स्वतंत्रता को पाप के लिए इसे रास्ता मत बनाओ। आमीन। आपको घर वाले चर्च नहीं आने देते थे, बोले लड़की है नहीं जाना, लड़का है नहीं जाना। अगर उन्होंने आप पे बिलीव किया तो कोई ऐसा गलत काम ना करो कि बाद में यीशु मसीह के नाम को निंदा मिले और आपकी लाइफ श्रापित हो। बाय फेथ आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो, बाइबल कहती है। बाय फेथ जब जब आप उसके नाम को ऊंचा करते हो, वो अपनी निगाहें आपकी तरफ लगाता है। आप उसके नाम की महिमा करते हो दुखों में भी, प्रॉब्लम्स में भी, और खड़े रहते हो परमेश्वर को मालूम है प्रैक्टिकली मेरे नाम की महिमा कर रहा है। और जब हम कैजुअल होते कुछ भी करते तो भूल जाओ तुम्हारी पोजीशन क्या है। अगर अगर वो राख पे बैठे को महल में बिठा सकता है, वो महलों वालों को राख में भी लेके आ सकता है। नकूब देने से जिसकी पूरी दुनिया में जिसका राज था, एक दिन छत पे खड़ा होकर बोलता है ये सब कुछ, सब राज्य, सब मेरी ताकत और बुद्धि से बना है। परमेश्वर कहता बस बहुत हो गया, अब 7 काल तुझ पे बीतेंगे और तेरे नाखून बढ़ेंगे और बाल बढ़ेंगे और तू भैंस की तरह चारा चरेगा। और पागल हो गया। और राजा थोड़ा बहुत कमजोर होता था ना तो उस राजे को मार के दूसरा बंदा राजा बन जाता था। सोचो एक राजा बैल बन गया, चारा खा रहा है, और कोई उसकी जगह राजा बनने के लिए नहीं आया। पता है क्यों? ये परमेश्वर की ओर से सीख थी कि 3.5 साल 7 काल तुझ पे बीतेंगे। और लिखा जब उसने वो टाइम पूरा हो गया, आसमान भी और आंखें उड़ाई और बोला कि यहोवा सब कुछ तेरी ओर से, तू ही खड़ा करता और तू ही गिराता। लिखा उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और प्रधान लोग फिर से उसे भेंट करने के लिए आने लगे। अपने आप को पहचानो, कहां खड़े हैं हम? कहीं हम वहां तो नहीं खड़े जहां से परमेश्वर हमसे नाराज हो और शैतान का खुला दाव हम पे चले। हम वहां खड़े हैं जहां जहां से परमेश्वर हमें देखे और इतना हमें विश्वास योग्य समझे कि वो अगली आशीष हमें दे सके, अगला लेवल हमें दे सके। इतने विश्वास योग्य बनो परमेश्वर के सामने। अपनी आशीष को गाली मत दो, जो रास्ता खुला उसे गाली मत दो। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। वैसे फिरते रहे तो गधों की तरह फिरते रहे लोग,
जैसे ही मिनिस्ट्री में आते, मैं उन्ना व्याह करना। ये क्या मूर्खता है। हाँ, अरे गधों, खड़े तो हो जाओ, कुछ बन तो जाओ, पैदा तो हो जाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हर चीज का टाइम है। हर अच्छा दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर बुरा दरवाजा शैतान की ओर से नहीं है। ये आत्मिक लोग समझ पाते हैं इन चीजों को। आज परमेश्वर दूसरे नंबर पे हो चुका है और हम अपनी लाइफ को पहले नंबर पे रख चुके हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अमेरिका से रिश्ता आया, ले जी छोटू सेवा करो, ब्याह करो। खुदा ने रास्ता खोल लिया। कुछ नहीं मालूम लोगों को, कुछ नहीं पता लोगों को। इसीलिए मसीह में कामयाब बहुत थोड़े लोग हैं। तो यीशु मसीह ने कहा था ये रास्ता संकरा है और थोड़े इसे पाएंगे। आमीन। बहुत थोड़े लोग होंगे जो इसे हासिल कर पाएंगे। सेवा बहुत बड़ी चीज है और परख के साथ मिलती है। जब तक आपकी लाइफ जीरो नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं कर दोगे अपने आप को, आप सेवा में एंटर नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपका आप जाके फिर से सेवा खत्म हो जाएगी। अगर तू मेरा पीछा करना चाहे और अपना क्रूस ना उठाए तो तू मेरे योग्य नहीं। अपने माता, अपने पिता, भाई बहन, खेत, सब लोगों को अगर मुझसे ज्यादा प्यार करे तो तू मेरे योग्य नहीं। हाथ हल पर रखकर अगर पीछे देखे संसार की तरफ भी और खेत पे ध्यान ना दे तो भी तू मेरे योग्य नहीं। इतना सख्त वचन है परमेश्वर। क्रिश्चियनिटी आसान नहीं है। आमीन। पर इसका मजा कहीं और नहीं, ओरिजिनल है ना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, एक सिस्टर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा पिछले 3-4 दिन में कि क्या बाइबल क्या कहती है। सुनो ध्यान से। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू तलाक चाहे तो ये नहीं हो सकता, पर अगर तेरा तलाक हो जाए सारी उम्र तू दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर तेरा पति मर जाए, पत्नी मर जाए तो तू शादी कर सकता है, जब तक वो धरती पे जीवित है तू दूसरी शादी नहीं कर सकता। इतना सख्त है परमेश्वर का वचन। और यहां मैरिड लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के बैठे सोचो, और परमेश्वर कह रहे हैं अगर हस्बैंड से भी तलाक हो गया तो दूसरी शादी करना मना है, अगर वो मर जाए फिर तो फ्री है। वो इतना पवित्र है और इतना कड़क है, और किसके लिए? हमारे लिए। आवचन से के ऊपर खड़े रह के कभी नहीं हो सकता कि दुखी हो, और ये आपकी ब्लेसिंग का कारण होगा। आमीन। अब इमोशंस क्या कहते हैं, फीलिंग्स क्या कहते हैं, वो अलग चीज है। परमेश्वर क्या कहता है, ये अलग चीज है। और कहता अगर तू त्यागी हुई से शादी करे, या त्यागे हुए से शादी करे तो ये व्यभिचार होगा, जब तक उसका पति जीवित है, जब तक उसकी पत्नी जीवित है। इतना सख्त वचन है। शादी ऐसी चीज है जो आप लंबी प्रार्थना के बाद खड़े रह के मसीह में सेवा में फिर आप करते हो और आप एक्यूरेट हिट मारते हो। परफेक्ट परमेश्वर आपको देता है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट। आप इमेजिन करो, 2014 में यह पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी, मालूम है कि नहीं? और मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी। और आज 50 लोग अगर हो जाएं किसी के पास, वो गाड़ी मांगना शुरू करते हैं। 50 लोग, और मेरे पास इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी चर्च थी। और कलीसिया का एक भाई मुझे घर से अपनी गाड़ी में लेने के लिए आता था। ऐसा नहीं कुछ सोच के रखा हुआ था कि मैं नहीं, मैं बहुत सैक्रीफाइस करना, मैं नहीं लेनी गड्डी।
नो, ध्यान नहीं था, अपने काम में बिजी 24 आवर, जगह लेनी थी जगह में बिजी, काम में बिजी। और 14 में मैंने गाड़ी ली, जब मुझे और काम करने पड़े, जगह के कारण जाना पड़ा इधर उधर, तो मैं किसी पे अभी ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकता था। और जब मैंने गाड़ी ली थी, उसका जो नंबर आया, मैंने 3 साल बाद चेक किया, उसका नंबर था 5185, मेरा बर्थडे, बिना बताए, यानी मैंने जानबूझ के लिया, मुझे खुद मालूम नहीं था। मेरी पहली गाड़ी, उसका नंबर था 5185, और ली भी बर्थडे पे थी। परमेश्वर ने कहा ले गिफ्ट, मैं देता हूं, नंबर भी खुद लिख के देता हूं। और 3 साल बाद, मैरिज के बाद, एक बेबी के बाद, मॉडल टाउन में मैं दुकान के बाहर खड़ा हूं, मैं अपनी गाड़ी देखी, मैंने कहा ये क्या है, ये नंबर तो मेरा बर्थडे है। गॉड्स टाइम, बेस्ट टाइम। 2011 में ये चर्च के बारे में पूरे इंडिया के मीडिया में आना शुरू हो गया था, और मेरे पास अपना अपनी कार नहीं थी, रेंट पे रह रहा था। 2016 तक मैं रेंट में रहा हूं, यानी पैसा नहीं था, ध्यान नहीं था, कुछ काम थे ऐसे जो होने जरूरी थे। आज इस चर्च के पास ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो बड़े बड़े मिशन्स के पास नहीं। आज लोग बस अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, कोई स्टेज पे रहना चाहता है, उसकी शादी हो जाए कनाडा अमेरिका में, कोई बंदा आगे रहना, ये ड्रामे चल रहे हैं आजकल। कौन कौन है जो जिसको कुछ दर्द या पैशन है खुदाबंद के काम के लिए? परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे इसी रीति से क्या होगे, तुम बोलोगे प्रभु मेरी सहेली तो मुझसे अधिक पापी है, उसके तो 5 बॉयफ्रेंड है। प्रभु बोलेगा नहीं, तू एक वाली नाश, वो तो सारा दिन दारू पीता है, मैं तो कभी कभी पीता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, कितने मेरी बात को समझ रहे, कहते तुमने मन फिरा लिया, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, हेवन को चख लिया, प्रभु की प्रेजेंस के बारे में मालूम हो गया, कहता अब तुम्हारा पीछे मुड़ना पॉसिबल नहीं। कहता अगर तुम साग पात उपजाओगे, वचन सुनोगे, फल लेके आओगे, कितने मर्जी पाप क्यों तुमने क्यों ना किए हो, मैं साफ कर दूंगा, मैं आशीषित भी करूंगा, खड़ा भी करूंगा तुम्हें, जितना मर्जी भारी पाप क्यों ना हो, पत्थर हल्का हो, पत्थर छोटा हो, पत्थर बड़ा हो, जब समुद्र में फेंका जाता तो डूबता है। पाप जितना मर्जी बड़ा या छोटा हो, अगर प्रभु के पास आप आएंगे वो आपको साफ करने वाला है। उसने कहा अगर तेरा भाई अपराध करके क्षमा मांगे तो माफ कर, तो अगर आप क्षमा मांगेंगे वो आपको माफ करेगा। लेकिन यहां वाले भाई बोलते हैं हम माफ नहीं करेंगे। हालेलुया, हमें क्रिश्चियन बनना है, क्या बनना है, क्रिश्चियन बनना है हमें। अपने पड़ोसी बोलो मन फिरा, फिर से बोलो, फिर से बोलो मन फिरा। आमीन। आप एक खुला हुआ रास्ता अगर उसको गाली नहीं देंगे तो परमेश्वर आपकी कदर करेगा। आपका हस्बैंड आपको चर्च आने देता है, उसका गलत फायदा मत उठाओ। आपके बाप ने आप पे भरोसा किया है, गलत फायदा मत उठाओ। आपके पास्टर ने आप पे भरोसा किया है, गलत फायदा मत उठाओ। आपके भाई ने आपको मौका दिया, गलत फायदा मत उठाओ। परमेश्वर ने आपको कुछ दिया, गलत फायदा मत उठाओ। अपनी पोजीशन को कभी मिसयूज मत करो, कभी अब्यूज मत करो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, नेवर। और हर चीज के थैंक्स करो। आज आप चर्च में बैठे हो, ऐसे लोग हैं जो रोते हैं, कर लाते हैं, ऑनलाइन भी चोरी चोरी देखते हैं, और आप यहां बैठे हो जिन्हें कागज पक्के नहीं, इंग्लैंड से आना चाहते हैं, रोते हैं ऑनलाइन कि कब हम खामरा चर्च में जा सकते हैं, आप बैठे हो। हर चीज का एंजॉय करो जो खुदा आपको दे रहा है, और उसके वचन में खड़े रहो। अब्यूज, गाली कभी मत दो, नेवर। आप गाली बोएंगे, गालियां आप खाएंगे,
दुनिया निकालेगी, शैतान निकालेगा, लाइफ ऐसी हो जाए। जो चीज आप खुदा के वचन से हट के, उसकी हजूरी से हट के हासिल करेंगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं है आप लोगों के लिए। हालेलुया। हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाथरूम की स्मेल आ रही है, बाथरूम बीच में निकला हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट, इंग्लिश की अखबार पढ़ रहा है, 70 साल का बूढ़ा, बाल बड़े हुए, गंदी सी जैकेट है, स्मेल आ रही है, छोटे से कमरे में रहके चौकीदारी करता है और ग्रेजुएट है, कनाडा रिटर्न है। अपनी जिंदगी को गाली मत दो, इसका मौका उठाओ और अपने नहीं अपनी अपनी जनरेशन के लिए भी उद्धार का कारण बन जाओ। एक घर में एक धर्मी अगर होगा, एक बहन अगर धर्मी होगी, उसका भाई जितना मर्जी बिगड़ा क्यों ना हो बदलेगा वो, पर अगर वो बहन भी बिगड़ जाएगी, सोचो उस घर की क्या हालत होने वाली, कभी नहीं सुधरेगा उसका भाई। जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, भाई बोले तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। उसने ये नहीं कहा तू प्रेयर कर, उसने कहा तू बच पहले, तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। आमीन। हमारी लाइफ इसको इस तरह से लेना है कि ये प्रिविलेज है। मां के गर्भ से बच्चे पैदा होते जिनके हाथ पैर नहीं होते, क्या कर लेंगे, केस कर देंगे खुदा पे, जीत जाएंगे क्या? आपके दो हाथ दो पैर यहां है। बच्चे पैदा होते हार्ट डिजीज के साथ, आपका हार्ट चल रहा है, किडनीज नहीं काम करती, आपकी किडनीज चल रही है, और हम खुदा को गालियां दे रहे हैं, उसने किया ही क्या है, जो है हमारे पास उसके लिए थैंक्स करके उसको गाली मत दो। जो रास्ता खुले उस पे ठहरे रहो, खड़े रहो। आमीन। पहले हम नीचे बैठे थे तो कोई हमारी ओर देखता नहीं था, हम किसी की ओर देखते नहीं थे। हाँ, हम वॉलंटियर बन गए अब। हाँ, अब सब लड़कों को देख रहे हैं और सब लड़कियों को देख रहे हैं। इसका मतलब अपनी ड्यूटी को, अपनी पोजीशन को हमने क्या दी, गाली दी। अब सोचो प्रभु क्या करेगा। आप नीचे बैठे थे तो अच्छे थे, आप झाड़ू फेर रहे तो अच्छे थे, आपको सामने कर दिया, आपने प्रॉब्लम कर दी। इसका मतलब परमेश्वर देखेगा, इसने मुझे अब्यूज किया, मैं इसको और आशीष नहीं दे सकता। आपका बच्चा घर से गाड़ी ले जाए, दो चार उठे ठोके, दोनों दांत तोड़े, उसका मुंह तोड़े, दोबारा गाड़ी दे दोगे? क्यों? आप अपने बच्चे से नफरत करते हो, आप प्यार करते हो, इसलिए नहीं दोगे। उसी तरह ये लाइफ, आप इसका गलत यूज करोगे, परमेश्वर आपको दोबारा मौका नहीं देगा, या बोलेगा अभी नहीं, मैच्योर हो जा, अभी 5 साल कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तारीफ करो जोर से। आप समझ गए वचन? मैंने कहा आप समझे कि नहीं? ये नहीं कि शैतान पास्टर्स को भरमाता नहीं, या विश्वासियों को नहीं भरमाता, या वॉलंटियर बन जाओ तब नहीं भरमाता, वो सबके पास जाता है। समझ, अपनी पोजीशन को समझना। कहता तब मैं समझूंगा कि जो तूने शक्ल आईने में देखी थी तूने याद रखी, कि मैं कौन हूं, किस काम के लिए चुना गया। कहता लोग नहीं तो अपनी आईने में शक्ल देखते, वचन सुनते वचन के आईने में शक्ल देखते, और जब चले जाते वहां से भूल जाते मैं कौन हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बोलो मन फिरा। आप गाली नहीं देनी, बोला गाली नहीं देनी, जिंदगी को गाल नहीं करनी। आमीन। बाय फेथ, टाइम विद प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग, पेशेंस के साथ अपनी लाइफ को लो। ये कोई जल्दी करने वाला काम नहीं है। परमेश्वर ने 40 साल तैयार किया मूसा को, 40 साल आपकी लाइफ को एक सेटल करने के लिए। परमेश्वर आपको महीनों कई बार परीक्षाओं में रखता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह तीसरे छठे घंटे से लेकर 9वें घंटे तक अंधेरा छा गया जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। डार्क मोमेंट, सब कुछ अंधेरा हो गया था। ये क्रिश्चियन की लाइफ का हिस्सा है।
लेकिन उसके बाद जी उठना भी होता, याद रखो। एक क्रिश्चियन मरा नहीं रह सकता क्योंकि उसका क्राइस्ट जी उठ है। कोई भी चीज आपकी मर सकती है लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होगी, वो जी उठेगी। वो फाइनेंस है तो ऐसा जी उठेगा। आओ आप टेस्टिमनी देने के लिए आने वाले। अगर वो सेहत है वो जी उठेगी। मैंने कहा आमीन जितना ऊंचा और लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी।